नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जायका विद सीमा में। आज मैं आप लोगों के बीच बनाने जा रही हूँ काले चने के स्वादिष्ट कोफ्ते। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए बनाते हैं काले चने के कोफ्ते। चलिए, काले चने के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है काला चना, जिसे मैंने रात भर के लिए फुला के रखा हुआ था। उसमें डालूंगी मैं लहसुन और हरा मिर्चा, जिसे मैं पीस लूंगी। बाइंडिंग के लिए मैं बेसन, प्याज, उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता, ये अजवाइन, मंगरैल, थोड़े से जीरा और काली मिर्च का पाउडर, मैं ये सब कोफ्ते में डालूंगी। और ग्रेवी के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो इस तरह से है। प्याज और टमाटर का मैं पेस्ट बनाऊंगी, अदरक लहसुन का ये पेस्ट है। मसाले में हमें जिन चीज़ों की जरूरत है वो इस तरह से है, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, तेल, सरसों का, तेजपत्ता, लौंग, इलायची। तो चलिए बनाते हैं काले चने के कोफ्ते। यहाँ पे मैंने चना, लहसुन और मिर्चा पीस लिया है। ये देखिए, इसका पेस्ट बारीक है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट सारा निकाल लिया है। इसमें मैं बेसन डालूंगी। बेसन डालने से ये कोफ्ता अच्छे से बंध जाते हैं। इसमें कटे हुए प्याज, थोड़ी सी धनिया पत्ता, इसमें काली मिर्च, जीरा, मंगरैल और जवाइन। इसमें डाल रही हूँ मैं नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, इसे हम लोग हाथ से। यहाँ पे तेल गरम हो चुका है और मैं यहाँ पे कोफ्ते डाल रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैं इसे उलट पुलट के चारों तरफ से सेक ले रही हूँ। इसे हम चारों तरफ से चला लेते हैं ताकि ये सभी तरफ से बराबर पक जाए। अब ये देखिए, हमारे सारे कोफ्ते काफी अच्छे तरह से लाल हो चुके हैं। गैस में कम कर देती हूँ और सारे कोफ्ते निकाल लेती हूँ। आप इसे कोफ्ते को चाय के साथ भी नाश्ते के तौर पे ले सकते हैं। आइए, अब कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम तेल डालते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है। इसमें हम डाल रहे हैं तेजपत्ता, ये दो इलायची, दो लौंग, आदि और लहसुन का पेस्ट। आदि और लहसुन का पेस्ट भून चुका है।
अब यहाँ पे मैं टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल दे रही हूँ। इसे कुछ देर के लिए मैं चलाती हूँ। यहाँ पे मैं नमक डाल देती हूँ। नमक डालने के बाद यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं इसे भून लेती हूँ। मसाला भूनते हुए करीब 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसे तेज आंच पे कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला का पाउडर। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो मसाला अच्छी तरह से भून जाए। यहाँ पे देखिए अब मसाला कम से ये तैयार है। साइड से ये तेल छोड़ चुका है। यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं। अब यहाँ पे ये उबल चुका है। यहाँ पे मैं कोफ्ते डाल देती हूँ। मीडियम आंच पे गैस कर देती और लास्ट में मैं इसमें कसूरी मेथी थोड़ा क्रश करके इसमें डाल देती हूँ। और इसे ढक देती हूँ। ये बनके है तैयार है। अब इसे मैं एक बॉल में निकाल लेती हूँ। ये हमारा बनके काले चने के कोफ्ते तैयार हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं घर पे और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा बना। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।